बुबागरा आपको रहने नहीं देगा। बुबागरा का एक बहुत क्लियर मैसेज है यहां में सबको, ये पार्टी में अगर किसी ने पोस्ट के लिए फाइट किया, पद के लिए फाइट किया, कॉन्ट्रैक्टर गिरी के लिए फाइट किया, तो आप अलग होके काम करो। टिप्रा मोथा में आपको अगर फाइट करना है तो बुकुंगबारा के लिए फाइट करना है, ग्रेटर टिप्रा लैंड के लिए फाइट करना है आपको। ये मेरा क्लियर वार्निंग है कि अगर किसी ने हमारा नाम बेचने का कोशिश किया तो आप जाकर दूसरे पार्टी में बैठो, आप लोग नहीं जीतेगा, क्योंकि बुकुंगबारा टिप्रा साथ दोफा बुबागरा के साथ है, अपना हा के साथ है हम लोग। कुछ लीडर लोग, बहुत कुछ लीडर लोग सिर्फ अपना बारे सोचता है, कोई एमएलए बनने के लिए सोचता है, कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट बनने के लिए सोचता है, कोई पद चाहता है, कोई जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए चाहता है। 70 साल से बहुत ब्लॉक प्रेसिडेंट मिला है, 70 साल में बहुत एमएलए मिला है, 70 साल में बहुत प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी हमारा टिप्रासा बना है, मंत्री भी बना है, लेकिन टिप्रासा को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आज एक मौका है हमारे पास कि अगर हमने थानसा रखा, अगर हमने अपना बारे नहीं सोचा, अगर हमने लाल पत्ती के बारे नहीं सोचा, अगर पोस्ट के बारे नहीं सोचा, सिर्फ दोफा के बारे सोचा, अगर एक साल तक हमने अपना स्वार्थ को पीछे रखा और दोफा और टिप्रासा के बारे पहले बार सोचा, तो हमको कुछ मिल सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इसके लिए बुबागरा थानसा चाहता है। बहुत लोग हमारा थानसा को तोड़ने का कोशिश करता है, कोई जमतिया, देव वर्मा, रंगखोल, रियांग, काइपेंग, रूपिनी, मौलसम, त्रिपुरा, ये करके हमारा थानसा को तोड़ता है। कोई लोग बीजेपी, मोथा, आईपीएफटी, सीपीएम, कांग्रेस करके थानसा तोड़ता है। लेकिन आप एक बार अगर तला जाके देख के आओ, आप एक बार बाहर जाके देख के आओ, कोई आपको देवर्मा नहीं बोलेगा, कोई आपको चमकिया नहीं बोलेगा, कोई आपको काइपेंग या रंगखोल या ब्रू नहीं बोलेगा, सब आपको बुकुंगबारा बोलता है। लेकिन हम लोग बुकुंगबारा लोग को किसी ने, कुछ लीडर ने रंग देकर हमारा थानसा को तोड़ा, थानसा टूटा देश हारा, थानसा टूटा हाथ चला गया, थानसा वापस लाओ ग्रेटर टिप्रा लैंड हम लोग लेके आएगा। बुबागरा नेता नहीं है, हम पॉलिटिक्स नहीं करता है, हम अपना टिप्रासा को झूठ नहीं बोल सकता है। इसके लिए बुबागरा ने हमेशा बोला थानसा, और आसान नहीं है। एडीसी इलेक्शन में हम लोग जीता, लेकिन आज भी आप देख लो, एक साल हो गया है, यूपी में इलेक्शन हो गया है, पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, गोवा में हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, अगरतला में म्यूनिसिपल इलेक्शन हुआ, अम्बासा में हुआ, लेकिन हमारा विलेज काउंसिल में इलेक्शन नहीं। क्यों? बहुत लोग डरता है, क्योंकि अगर इलेक्शन कल हुआ तो टिप्रा मोथा अनकॉन्टेस्टेड जीतेगा। इसके लिए इन लोगों को लगता था कि आंचलिक पार्टी कुछ नहीं कर सकता है, आंचलिक पार्टी तो जोट करेगा, आंचलिक पार्टी क्या कर सकता है, कभी बीजेपी का संग अलायंस करेगा या कांग्रेस के साथ या तृणमूल के साथ या सीपीएम के साथ, लेकिन टिप्रा मोथा
सीपीएम का खिलाफ लड़ा, कांग्रेस का खिलाफ लड़ा, बीजेपी का खिलाफ लड़ा एबीसी में, और पूरा देश ने देखा, पूरा इंडिया ने देखा कि एक छोटा सा आंचलिक पार्टी जिसमें सिर्फ बुकुंबरा लोग हैं, टीप्रासा लोग हैं, उसने दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी को हरा दिया। उसने सीपीएम को हराया जो 15 साल तक एबीसी में शासन कर रहा था। उसने उस पार्टी को हराया जिसका प्रेसिडेंट बुबागरा कांग्रेस में जब था, मैं जब बुबागरा को हटाया था, बुबागरा ने बोला था कि आप हमारा दोफा के संग अन्याय कर रहा है, हम कांग्रेस को छोड़ रहा है, लेकिन एक दिन कांग्रेस अपना गलती मानेगा कि बुबागरा को आपने निकाला। जब सीएए एनआरसी हुआ, हमने बोला था कांग्रेस को कि आप गलती कर रहे हैं, हम टिप्रासा में आपके साथ, हम आपके साथ हैं, आप हमको धोखा दे रहा है, लेकिन आज वही कांग्रेस हारा एबीसी।